बिग बॉस 17 में इन दिनों काफी तहलका मचा हुआ है। कंटेस्टेंट्स के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से शो का हाइलाइटिंग प्वाइंट ईशा अभिषेक और समर्थ का लव ट्रायंगल रहा है, जिसमें हर दिन कोई न कोई ट्विस्ट आता था। वहीं वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। शो के अपकमिंग एपिसोड में एक बार फिर कुछ ऐसा ही होते देखने को मिलने वाला है। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में देखा जाएगा कि सलमान खान एक एक कर घर वालों को दूसरों की पोल खोलने का मौका देते हैं। दरअसल घर में तू मान मेरी जान फेम सिंगर किंग की एंट्री होगी, जो अपने नए एल्बम को प्रमोट करने के लिए शो में आएंगे। सलमान खान उन्हें नए गाने की बधाई देते हैं। इसके बाद किंग कहते हैं कि वो दिल रूम वालों को एक एक कर फ्रंट पर बुलाएंगे और उन्हें ये बताना होगा कि वो दिल का दरवाजा किसके लिए हमेशा के लिए बंद करना चाहेंगे। किंग सबसे पहले ऐश्वर्या को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो अपने दिल का दरवाजा किसके लिए बंद करना चाहेंगी। ऐश्वर्या विक्की का नाम लेती है क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। इसके बाद किंग सनी आर्य को बुलाते हैं। सनी अभिषेक का नाम लेते हुए कहते हैं कि वो कोई भी भाईचारा नहीं निभा सकते, इसलिए मैं इसके लिए दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना चाहूँगा। समर्थ और अभिषेक की लव कंट्रोवर्सी का हिस्सा ईशा मालवीय ने अपने दिल का दरवाजा मुनव्वर फारूकी के लिए बंद किया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर स्मार्ट प्लेयर है तो उन्हें फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए, बैक फुट पर नहीं। वही अंकिता सना के लिए दिल का दरवाजा बंद करती है। अंकिता कहती है कि सना धोखेबाज है और वो हमेशा बैक सटिप लेती है। इस पर सना कहती है कि अंकिता के लिए उनके दिल का दरवाजा कभी खुल ही नहीं पाया क्योंकि इनका कंडक्ट जेनुइन नहीं लगा। इनके पास से हमेशा धोखेबाज वाली फीलिंग आती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।